हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आमिर जिंदर और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ और वो है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर मैं CBSE, JEE, NEET, JEE मेन इनकी बातें करूँ तो यहाँ पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अप्रॉक्स प्रीवियस 5 to 7 ईयर में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, तो मैं पहले इसको बहुत बेसिक से हर एक पॉइंट डिस्कस करते हुए समझाऊंगा आपको इस वीडियो में, और फिर उसके बाद मैं लाइव क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा। तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग अपनी पेन कॉपी निकालें और बड़े ढंग से चीज़ों को समझे जो मैं बता रहा हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये एक्चुअली मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है क्या चीज़, क्या होता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है। क्या करता है भाई ये डिवाइस, तो इंट्रोडक्शन है उसका, ए डिवाइस टू डिटेक्ट, पता लगाता है कि करंट है या नहीं। अरे उसके लिए हमारे पास एमीटर था तो, लेकिन ये काफी सेंसिटिव होता है और इसके सेंसिटिविटी की वजह से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितना कितना थोड़ा भी करंट हो, बहुत छोटा सा भी करंट है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ए डिवाइस टू डिटेक्ट करंट एंड मेजर इट, वो उसको मेजर भी कर लेता है, यानी कि करंट को डिटेक्ट और मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज किया करते हैं, इस डिवाइस को। क्या नाम है इसका, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। क्या प्रिंसिपल इसमें यूज होता है, तो मैंने जो लास्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं मैंने उसमें टॉर्क के बारे में पढ़ाया था, तो जो लास्ट टॉपिक था एक्चुअली वो इसका प्रिंसिपल ही था। क्या था लास्ट टॉपिक, तो लास्ट टॉपिक था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ लूप, या मुझे कहना चाहिए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, या जैसी भी कोयल आप समझे, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमने पढ़ा था कि भाई कैसे हम लोग टॉर्क कैलकुलेट किया करते हैं, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को, करंट कैरिंग ऐसी कॉइल हमने ली थी, या हम सर्कुलर ले लें एक ही बात है, या हम सर्कुलर ले लें वो भी एक ही बात है, तो ऐसी कॉइल को तब हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उस पर जो टॉर्क एक्ट होता है वो इसका प्रिंसिपल है। अच्छा ठीक है यार, प्रिंसिपल वो होगा, लेकिन वो टॉर्क होता कितना है, चलिए उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। मैंने कैलकुलेशन पूरी पूरी पढ़ाई है उसकी। टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, देन व्हाट अबाउट दैट थीटा, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल थीटा होता है। ये था भाई इसका टॉर्क। अच्छा यार ये बात तो ठीक है, लेकिन इस टॉर्क से हम लोग कैसे करंट कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे आने वाले आगे लेक्चर में। हम लोग क्यों कौन सी चीज़ को बड़े ढंग से समझने वाले हैं, या किस तरह से हमारा जो ये डेरिवेशन है या ये जो डिवाइस के बारे में स्टडी है वो आगे बढ़ेगी। देखो हमने देखा एन नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो सकती हैं, आई करंट, ठीक है इस करंट को हम लोग मान लेते हैं कि चेंज हो सकता है, एन कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट है एरिया वैक्टर, बी भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि एरिया हम फिक्स लेते हैं, एरिया फिक्स लेते हैं हम लोग, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने मैग्नेट लगाए थे, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, बस करंट चेंज हो सकता है या एंगल थीटा चेंज हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो करंट है, ये करंट अगर अकेला रह जाए इस टॉर्क के फॉर्मूले में, ये थीटा यहाँ से हट जाए, तो हम कह पाएंगे कि करंट ने क्या बनाया, टॉर्क, और टॉर्क ने क्या घुमाई, नीडल। तो जितना करंट उतना टॉर्क और उतनी घूमी नीडल, यानी कि नीडल जितना घूमेगी उतना ही करंट, और नीडल कौन घुमाएगा, टॉर्क। तो हम लोग डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं टॉर्क और करंट को, यानी कि घूमना, नीडल का घूमना और करंट डायरेक्ट रिलेट हो सकता है अगर मैं इस थीटा को क्या कर लूं, इस थीटा को मैं कॉन्स्टेंट कर लूं, तो यानी कॉन्स्टेंट कब होगा, देखो जीरो तो इसको कर नहीं सकते, जीरो करेंगे तो टॉर्क जीरो आ जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट होगा तब थीटा 90 हो जाए। और बच्चों मैं आपको फैक्ट बताऊं तो यही ट्विस्ट, थीटा को 90 करने का ही जो इसमें सिस्टम है उसको हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये इसका पहला प्रिंसिपल, और दूसरा प्रिंसिपल जो होता है वो होता है इसका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है इसको मैं चर्चा करूँगा, इसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका हुआ इंट्रोडक्शन, ये होता है भाई साहब
प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया टॉर्क और दैट ऑल, एंड थर्ड वन इसका सेकंड हम लोग क्या लेते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसका प्रिंसिपल काउंट करते हैं राइट। वहां पे थीटा को 90 करना होता है, कैसे 90 करना हूं मैं समझा दूंगा। इसके बाद आता है इसका डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन, चलिए आप इसे लिख लीजिए फिर मैं आपको डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में कहानी सुनाता हूं कि वो क्या होता है। हाँ तो बच्चों ऐसा होता है इसका डायग्राम, देखिए बहुत ही इसको जो डायग्राम को बनाया जाता है बहुत ही केयरफुली आप बनाइए क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। देखो क्या कैसा होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको डिटेल में समझाता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर तुम्हें डायग्राम उसका डिस्क्रिप्शन ये बताने की कोशिश करूंगा और साथ साथ जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर करूंगा राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इसमें लोग दो मैग्नेट लेते हैं जो कि हॉर्सशू टाइप यानी कि ऐसे ऊपर से इस तरीके से कटे हुए होते हैं, ऐसे इसमें कट होता है मैग्नेट्स में ऐसे कट होता है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के वो दिखाई देता है, इस तरह का वो आपको दिखाई देगा राइट, इस तरह का दिखाई देगा वो, ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। अगर मैं इसको बीच में से काट के अलग करूं तो क्या होगा, ये किस तरफ से ऐसा और ये किस तरफ से ऐसा, पीछे इनके मैग्नेट होते हैं, पीछे मैग्नेट होते हैं लेकिन इस तरीके से कट लगे हुए दो मैग्नेट होते हैं ठीक है भाई। उनके बीच में कॉइल रखी होती है, ये कॉइल रखी हुई है उनके बीच में, बहुत अच्छी बात है। हमने यहां से एक फ्रेम बनाया हुआ है, ये पूरा फ्रेम बना रखा है, एल्यूमिनियम का बना हुआ फ्रेम होता है वो। उस एल्यूमिनियम के बने हुए फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, उस एल्यूमिनियम के फ्रेम में ध्यान से सुनना मेरी बात, उस एल्यूमिनियम के फ्रेम में हम यहां पर इस कॉइल को ऊपर से जो बांध देते हैं वो तो हम बांधते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज से, यानी कि ये एक हम इसमें वायर लगाते हैं, इसके लिए एक स्पोर्ट लगाते हैं, और नीचे से हम जो इसको कनेक्ट कर देते हैं इसको हम बांध देते हैं हेयर स्प्रिंग, बहुत ही सॉफ्ट सा स्प्रिंग होता है ये हेयर स्प्रिंग, इनसे हम इनको बांध देते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से इसमें से करंट पास कराते हैं, करंट यहाँ से एंटर होता है एक टर्मिनल से और इसमें से फ्लो होते हुए दूसरे टर्मिनल में वो बाहर हो जाता है, तो जैसे यहाँ से करंट एंटर होगा तो करंट कैरिंग कॉइल तब मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी, नॉर्थ साउथ दो मैग्नेट हमारे पास रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो क्या होगा उसमें फोर्स लगेगा, और फोर्स के तो क्या होगा ये घूमेगा, तब ये घूमेगा तो क्या होगा टॉर्क क्रिएट होगा, और तब टॉर्क क्रिएट होगा तो टॉर्क क्रिएट करने से क्या होगा, टॉर्क क्रिएट करने से ये वाली जो कॉइल है वो रोटेट होगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये मेरे पास कॉइल है ठीक है, अगर इसमें टॉर्क आया तो ऊपर से हमने इसको ऐसे बांधा हुआ है, हमने ऊपर से इसको इस तरीके से एक वायर में ऐसे अटकाया हुआ है, नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ, तो जैसे ये ऐसे घूमेगा ये यहाँ से ऐसे घूमता है तो घूमने से क्या होगा इसमें टॉर्शन आएगा, ऐंठन आएगी है ना भाई, ये क्या होगा ऐसे ऐसे इसमें ऐंठन आएगी यानी कि टॉर्शन क्रिएट होगा, और वो टॉर्शन क्रिएट होगा तो इसमें टॉर्क कहाँ से आया, इसमें टॉर्क आया इलेक्ट्रिकल टॉर्क, क्योंकि करंट फ्लो कराया तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क कैसे घूमना चाहा, ये ऐसे घूमना चाहेगा, इसमें टॉर्शन आएगा तो क्या होगा एक आपके पास इसका टॉर्क लगेगा ऐसे घुमाने के लिए इलेक्ट्रिकल टॉर्क, और एक ये खुद अपना टॉर्शन यानी कि ये अपना रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, और तब वो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाता है, जैसे मैं अपने हाथ को मोड़ता हूं तो मैं यहां से मोड़ा, मैंने इसके बाद मैं नहीं मोड़ सकता क्यों, क्योंकि मेरे हाथ में क्या आ गया एक अपोजिट टॉर्शन आ गया, यानी कि एक अपोजिट टॉर्क लग गया, एक रिस्टोरिंग टॉर्क लग गया, मैं ऐसे पकड़ के यहां ले जाता हूं छोड़ता हूं तो वापस आ जाता है, ऐसे करके ऐसे वापस आते हैं राइट। तो इसमें क्या हुआ एक इसकी वजह से इस स्प्रिंग की वजह से और एक इस जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है इसकी वजह से क्या हुआ एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगा, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाता है इस इलेक्ट्रिकल टॉर्क के बराबर, और हम इस कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा देते हैं, पॉइंटर मतलब वो नीडल वो सुई जो कैल्विनोमीटर में लगी होती है वो ऐसे करके इस मीटर में, ये एक मीटर स्केल होता है, ये एक स्केल होता है, तो इस मीटर स्केल में वो रीडिंग हमें मिल जाती है, और हम कहते हैं कि हमने जितना करंट फ्लो कराया उतना ही वो उसमें ऐसे मूव किया, जितने एंगल से ही रिफ्लेक्ट करता है उस एंगल को हम कहते हैं फाई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये तो इस डायग्राम के बारे में था, लेकिन इसको डिटेल में और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे जो टॉर्क का फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, इस थीटा को बेसिकली 90 करने के लिए हम लोग इसका टॉप व्यू देखा करते हैं, तब ये साइड से ऐसे रखा हुआ है तो इसका टॉप व्यू कैसा होगा, ऐसा गोला है ना भाई, ऐसा गोला ही होगा ना, ऐसे गोल गोल होगा। देखो मैं समझाता हूँ इसका टॉप व्यू बनाता हूँ मैं, चलो यहाँ पे देखिएगा इसके टॉप व्यू की चर्चा कर लेते हैं। इसका टॉप व्यू होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे ऊपर से गोला यहां से और ये ऐसे कनेक्टेड ठीक है, और यहाँ नीचे भी ऐसे, और इधर से ये ऐसे इस तरफ इसको पूरा भर देते हैं आयरन का और इसको राइट, यानी कि ये जो पार्ट हुआ इस वाले पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं ये इतना और ये इतना राइट, और ये आपका कौन सा पोल होता है, ये आपका नॉर्थ पोल होता है और ये आपका
साउथ पोल होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, राइट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई साहब, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही होती है, लेकिन हम लोग चालाकी करके क्या करते हैं, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर, ये ऐसे बहुत नज़दीक होता है उसको सटा हुआ होता है, लेकिन मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ समझाने के लिए, एक सॉफ्ट आयरन कोर उस ही साइज़ का, जितने साइज़ के मैग्नेट्स बने हुए थे, जिस तरह के बने हुए थे, उतने ही साइज़ का हम लोग एक इसमें सेट कर देते हैं अंदर। क्या अंदर हम इसमें सेट कर देते हैं भाई साहब, एक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे थीटा को 90 करूँगा भाई साहब, अब मैं सॉफ्ट आयरन कोर, क्या खास बात होती है इसकी, ये आपने नहीं पढ़ा होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है, यानी कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और ये जो फेरोमैग्नेटिक टाइप मटेरियल्स होते हैं, उस तरह का मटेरियल होता है। तो पहले पता है क्या होता है, पहले तो इसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये यहाँ पे ऐसे नॉर्थ पोल, ये यहाँ पे ऐसे साउथ पोल हैं, और ये नॉर्थ साउथ, और यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होती हैं सीधी सीधी, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ठंडी मतलब गर्मी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस सिस्टम को लगा देते हैं, इस वाले सिस्टम को यहाँ लगा देते हैं, जैसे हम इसमें सिस्टम में पुट करते हैं तो क्या होता है, ये फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे हो जाती हैं, ऐसे ऐसे फील्ड लाइन हो जाती हैं भाई साहब, समझ ना रहे मेरी बात को यार, प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ मैं, ऐसे हो जाती हैं, इससे क्या होता है भाई, हमें पता है क्या लगता है, हमें लगता है ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास नहीं होता ऐसे, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ होता नहीं, कहानी ये फील्ड लाइन हमें लगता है ऐसे आई और ये ऐसे चली गई फील्ड लाइन, यहाँ से ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई फील्ड लाइन, तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में ये ऐसे आई, ये ऐसे, ये यहाँ से गई, ये ऐसे, तो इसका मतलब क्रॉस कर गई, लेकिन क्रॉस तो फील्ड लाइन करती नहीं भाई, क्या होता है इसके कंडीशन में, इस कंडीशन में फील्ड लाइन 90 डिग्री हो जाती है यहाँ से, क्योंकि ये जो पूरा आयरन कोर था, इस आयरन कोर ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनको पसंद है और इसने सबको क्या कर लिया, अपने सेंटर की तरफ डायरेक्ट टूवर्ड्स सेंटर इन्होंने मोड़ लिया, यानी कि फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे आती है, सच तो इसका ये है, ये यहाँ से ऐसे आई और ऐसे चली गई, यहाँ से ऐसे आती है और ऐसे ऊपर चली जाती है, यहाँ से ऐसे आई ऐसे चली गई, यहाँ से ऐसे आई सीधी चली गई, यहाँ से ऐसे आई ऐसे चली गई, देखो क्रॉस कर रही है क्या, क्रॉस नहीं कर रही है, ऐसे आएंगी ऐसे चल जाएंगी, लेकिन क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन ये यहाँ पर कैसी है, ये यहाँ पर हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है, राइट, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब मैं अगर अंदर के खेल को इसे भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फील्ड लाइन अंदर होती नहीं, यहाँ से मैं इसको भूल जाऊँ और अब मैं आपसे बात करूँ कि ध्यान से सुनना, अब मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर एक इसका पॉइंटर रखा हुआ है, पॉइंटर मतलब क्या, पॉइंटर मतलब ये भाई कि जैसे ही आप टॉप व्यू देखेंगे इस कॉइल का, तो टॉप व्यू में क्या होगा, ये वाला टॉप व्यू ना, इसके अंदर कॉइल किसके अंदर रखी हुई है, कॉइल इसके ऐसे अंदर रखी हुई है, ये जो पार्ट है इसके अंदर कॉइल रखी हुई है, राइट, तो उसके अंदर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा आएगा, ऐसे आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये एक लाइन, कॉइल का एक लाइन दिखाई देगी और ये उस कॉइल की ये वाली लाइन ये रही, और हमेशा अगर आपको याद हो आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे देखे हैं तो इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, यानी कि ये जो लाइन, ये जो डंडा, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दिया ना, इसके परपेंडिकुलर कौन होता है, एरिया वेक्टर, तो अगर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या है, यही है फील्ड लाइन डायरेक्शन, फील्ड लाइन डायरेक्शन कैसी है, यही है, तो हमेशा एरिया वेक्टर ये हुआ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी हुई तो एंगल कितना आया 90। आप कहेंगे सर ये कोयल तो इसके अंदर घूमती रहती है, यहाँ घुमाते रहो, ऐसा कर लो तब भी क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग फिर से अलॉन्ग होगा उस लाइन के, इस लाइन का अलॉन्ग होगा और एरिया वेक्टर कैसा होगा, फिर से 90 डिग्री। तो इस तरीके से इस रेडियल फील्ड में, ये है आपकी रेडियल फील्ड कॉन्सेप्ट, रेडियल फील्ड क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो रेडियस की तरह काम कर रही है, ऐसा रेडियस, राइट, तो हम इसको क्या बोल दिया, रेडियल फील्ड, और रेडियल फील्ड हम लोग ऐसा जुगाड़ करके ये सॉफ्ट आयरन कोर लगा के क्या कर देते हैं, इस थीटा को 90 कर लेते हैं, यहां से थीटा कितना हो गया आपका, थीटा हो गया आपका 90 डिग्री, और टॉर्क का एक ही फॉर्मूला हो गया फिक्स अप, वो ये है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, खत्म, थीटा कितना 90, साइन थीटा 1, कब 1, आप कैसे भी घुमाइए कॉइल को, हर बार 1 भाई, हर बार 1 हो गया, हमने थीटा को क्या कर लिया 90 और थीटा क्या का हो गया कांस्टेंट, खेल खत्म भाई, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इस टॉप व्यू से, और हमने सीखा कि सॉफ्ट आयरन कोर लगा करके पूरे का पूरा हमने इस वाले पार्ट को कांस्टेंट कर लिया और ये आपका क्या आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, ठीक बात है, टॉर्क का फॉर्मूला आना ही था, तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला मिला, इस टॉर्क के फॉर्मूले को हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के, और इसे आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, तो आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आप इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, जल्दी लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी है अभी इससे।
तो हमने इस तरीके से थीटा को 90 करके टॉर्क का फॉर्मूला बना लिया था, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। भाई साहब अब हम चलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क की तरफ। ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क मैंने आपको बताया कि जैसे उस कोयल को हम लोग ऐसे करंट फ्लो कराते तो कोयल घूमती है, तो इसके अंदर एक अपने आप ही अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क पैदा हो जाता है, राइट। तो यहां पर मैं अब स्टार्ट करूंगा टॉर्क रिस्टोरिंग। तो ये जो टॉर्क रिस्टोरिंग होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जिससे ये डिफ्लेक्ट हुआ, जिस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। हमने मान लिया कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है दैट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट टॉर्क रिस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। समझ गए अल्फा कैसे बना गया? अरे दोनों बराबर बराबर हो गए, ये ऐसा बना दिया मैंने अल्फा, ठीक है। पूछ वाला ये टॉर्क रिस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, और यहां पर अगर हम कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या आएगा? तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू अल्फा, और ये जो कांस्टेंट के होता है ये उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, यानी कि टॉर्शन कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्शन कांस्टेंट, टॉर्शन कांस्टेंट, या फिर कह लीजिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ऑलराइट, यहां से हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया। ये आप ध्यान से सुनना भाई साहब, ये जो रीडिंग के लिए जो मीटर, ये जो नीडल चल रही है, ये जो इसके लिए पॉइंटर चल रहा है, ये कब रुकेगा? तब आपका ऐसे ये करंट वाला टॉर्क लगता रहेगा, उधर से क्या होगा, ये रिस्टोर करता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा रिस्टोरिंग टॉर्क और जो आपका इलेक्ट्रिकल टॉर्क है वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और उस कंडीशन में तब आपका रिस्टोरिंग टॉर्क और ये दोनों टॉर्क तब बराबर होते हो जाते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्या होता है उस कंडीशन को समझिएगा, उस कंडीशन में ये फिक्स वैल्यू बता देता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन सा है? ये वाला रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल टॉर्क या आप इसे कहिएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग। ऑलराइट, कहने का मतलब यह है कि एन मुझे ऐसा लिखना चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क कौन है? के इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकल टॉर्क, या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है? एन आई ए बी। क्लियर है? यहां से देखो क्या होगा, यहां से हम लोग आई का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू वॉट? I इज इक्वल टू, ये सब नीचे आ गया, K अपॉन एन ए बी इंटू अल्फा। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज दिखाई दे रही होंगी अच्छे से, हाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारे पास K क्या है? एक कॉन्स्टेंट। N क्या एक कांस्टेंट, ए बी क्या एक कांस्टेंट, बी बी क्या एक कांस्टेंट, यानी कि ये जो करंट है दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल अल्फा, यानी कि जितना डिफ्लेक्ट करेगा ये, जितना इसमें डिफ्लेक्शन होगा उतना ही क्या होगा करंट की वैल्यू होगी। तो करंट की वैल्यू और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हम इसे करंट मेजर कर लेते हैं कि भाई इतना डिफ्लेक्ट किया इतना हो गया, राइट। अब यहाँ पे इसको हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं। चलो मैं इसको भी साथ साथ बता देता हूँ आपको, अब बताने लग गया तो मैं इसको हटा रहा हूँ भाई ऊपर से, जल्दी से लिख लें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी करना करें, ऊपर का पार्ट मैं हटा रहा हूँ। ओके, यहां पर हमने देखा कि अगर मान लीजिएगा ये जो आई है दैट इज इक्वल टू जी इंटू अल्फा, व्हाट इज दैट जी? जी इज द कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट क्या कहते हैं हम लोग? इस कहते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये हमारे पास एक रिजल्ट बना, राइट। तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर के बारे में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग, कैलकुलेशन मैंने करा दिए, फिर भी आप इसके बारे में ये जो छोटी सी क्वेश्चन इसकी लिख लें। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, यहां तक कि आपको नोट्स चाहिए पर्टिकुलर इस ही डिवाइस के, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, अगर आपको नोट्स चाहिए प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अगर आप WhatsApp पे मैसेज करेंगे तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। बहुत जल्दी ही हो सकता है हम इसको साइट पे अपलोड कर लें, राइट। साइट अपनी है www, जल्दी इसमें ऐड हो जाएगा, बट मैं एक पर्टिकुलर इसके लिए टॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ,
primeinstitute.com, राइट, इस पे अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स। लेकिन ये जो 703 पे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर आप मुझे मैसेज करते हैं अपने नाम के साथ, अपना नाम लिख के मुझे भेजना कि आपको गैल्वेनोमीटर के नोट्स चाहिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद इसकी आती सेंसिटिविटी पार्ट, वो सेंसिटिविटी पार्ट में बताऊंगा। एक बार आप इसे लिख लें फिर मैं इसे हटा देता हूं, मिटा देता हूं। तो बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हम लोग कैसे मेजर किया करते हैं। पहले मैं इस वर्ड को क्लियर करता हूँ कि सेंसिटिविटी क्या होता है। तो सेंसिटिविटी बेसिकली होता है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ कि कितने छोटे से करंट को, यानी कितना सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर। बहुत थोड़ा सा करंट दें हम लोग और फिर वो डिफ्लेक्शन दे दें, इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपन किसी इंडियन को रेप्टा मारे तो कोई फर्क पड़ता नहीं उतना, और किसी अंग्रेज को या फॉरनर को रेप्टा मार दिया किसी देसी आदमी ने तो इतना सेंसिटिव होता है कि पता नहीं क्या हाल हो जाए उसके। तो सेंसिटिव मतलब क्या कि उस थोड़े से इफेक्ट को बहुत बड़ा दिखाना। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी दो तरीके से मेजर की जाती है, एक तो करंट वाइज, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं उसको, और एक दूसरा वोल्टेज वाइड, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुई, देखो सिंपल भाषा में एक ही लाइन में इसको मैं लिखूं तो क्या, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, बस इतना सा है, पर यूनिट करंट। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब लिख लेते हैं हम इसका, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन क्या होता है, अल्फा अपॉन क्या, करंट। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अच्छा ही मैंने नहीं बताया क्या, चलो बताता हूँ। देखो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी आई इज इक्वल टू के बाय एन बी ए इंटू अल्फा। यार अल्फा की वैल्यू निकालने में क्या है, इसको उधर ले जाओ, क्या आ गया ये, यहाँ पे आ गया अल्फा इज इक्वल टू एन बी, ये इधर चला गया ना, एन बी ए आई अपॉन के, ये आपके डिफ्लेक्शन अल्फा की वैल्यू हुई। तो यहां पे अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, एन बी ए आई अपॉन के, और एक आई ये रहा, आई से आई कैंसिल, करंट सेंसिटिविटी हो चुकी है एन बी ए बाय के, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। अगर मैं आपसे बात करूं वोल्टेज सेंसिटिविटी की तो क्या होता है, वो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज है भाई साहब, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज की बात करूं तो क्या देखना, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वोल्टेज की बात करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू व्हाट, डिफ्लेक्शन कितना हुआ आपका, डिफ्लेक्शन हुआ अल्फा, दैट इज डिवाइडेड बाय क्या, वोल्टेज। अब यार वी का तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, आई का फॉर्मूला तो है, चलो चेंज कर लेते हैं वी को, तो ये क्या हो गया, अल्फा अपॉन वी इज इक्वल टू व्हाट, आई आर, यानी कि वी एस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, आई की वैल्यू पुट कर दो क्या है, आई की वैल्यू क्या हुई, के अपॉन, साथ में अल्फा भी है नीचे, के इंटू अल्फा अपॉन एन बी ए, अल्फा से अल्फा मर गया और एक आर भी था यहाँ पे क्योंकि आई की वैल्यू हमने पुट कर लिया, आर तो ऐसे ही रह गया साथ साथ, तो यहाँ से क्या आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज वॉट, एन बी ए अपॉन के आर, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये जो करंट सेंसिटिविटी है, इनके ये फॉर्मूले हो गए। किस किस चीज़ पे हम चाहते हैं, हम लोग करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, क्या कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो, क्या कर लो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा लो, क्या कर लो आप यहाँ पर एरिया बढ़ा लो। फिर भी इस के टर्म से बात करें तो के में के बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपने जो स्प्रिंग लगाया हुआ ना, जो कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट, उस स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू को बढ़ा दो, यानी कि बहुत सॉफ्ट अपना ये ले लो, स्प्रिंग ले लो, तो बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग लेंगे तो क्या होगा, सॉरी इसको कम कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू को कम कर दो, बहुत सॉफ्ट तब बन जाएगा उसका के कम हो, राइट। तो टॉर्शन को अगर हम लोग कम कर देंगे तो क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके डिपेंडेंस की कहानी कि ये किस पे कैसे डिपेंड करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है, तो ये बहुत छोटे छोटे करंट्स को भी बता देता है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो इसके डिसएडवांटेज ये कि अगर मान लीजिए बहुत हैवी करंट आ गया या थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ करंट तो ये खराब हो जाता है बहुत जल्दी, राइट। और इसकी सेंसिटिविटी एक बार बन गई तो उसे चेंज नहीं कर सकते, हर छोटी सी बात पर डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। डिसएडवांटेज भी कह देते हैं इसका हम ये, तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने नोट्स में लिखी हुई है, जस्ट ये मैंने फॉर्मूले आपको बताएं जो कि काफ़ी यूजफुल हैं, ये आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट भी ये पेपर में सवाल आ जाता है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एक्सप्लेन करिए, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर के बारे में, इसमें आप प्लीज़ चीज़ों को समझना ढंग से, बार बार देखना,
वीडियोस देखना है बार बार, और इससे पहले की वीडियोस देखना अगर आपने नहीं देखी है तो प्लस में आप किसी बुक से इसको एक बार जरूर पढ़िएगा पूरे चैप्टर को, पूरे चैप्टर को भी और साथ साथ मैं कहूँगा इस पूरे टॉपिक को भी, ताकि आप पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअली क्या लिखा है उसने, क्या कहानी एक्सप्लेन की हुई है, राइट। तो पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ना, मैं लेक्चर्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बेसिकली कन्वर्जन की बात मुझे भी करनी है, वोल्टेज टू एमीटर, एमीटर टू वोल्टमीटर, ये सारे के सारे कन्वर्जन हम पढ़ेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसे लिखते रहिए, हमारी फिर होगी मुलाकात। Thank you very much.